हाय फ्रेंड्स, द शुभम अगेन इनकम MSTV। तो हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं नीचे। हेलो फ्रेंड, कॉपी किताब फैली हुई है, दिख रही होगी आपको। नर्वस सिस्टम आज हम पढ़ रहे हैं, उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन क्लियर किए। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? एक दूसरे से हमने डिस्कशन किया, लोकेश और हम दोनों ने, और हमारा एक दो दोस्त है शिवराज मिश्रा। चाय पीने के लिए कहीं ढाबे पर बाहर किया गया हुआ है, तो उसको यहाँ पर समथिंग जानते नहीं। यहाँ पर अच्छी कॉफ़ी नहीं मिलती, वो कॉफ़ी पीने ले। कल क्या है, स्पेशल वैलेंटाइन डे है, उसके लिए वो कुछ गिफ्ट विफ्ट खरीदने ले गए। तो फ्रेंड्स एंजॉय। तो लोकेश, एक सवाल पूछूँ? हाँ बिल्कुल पूछे सर। क्या ख्याल है आपका इस वैलेंटाइन डे पे, क्या करने वाले हैं आप? दोस्तों वैलेंटाइन डे तो हर लोग मनाते हैं, लेकिन अपने जो शहीद हुए, जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिनको 14 फरवरी की थी, उनको जिनको मतलब याद करने, हाँ, याद करने वाले हैं। उनको हम लोग उनको याद करेंगे। nice. वैलेंटाइन तो सब मनाते हैं, यहाँ हर कपल्स वैलेंटाइन में चलने की प्यार, मतलब आपको बाहर कुछ फीलिंग को शेयर करके किया जाए, मतलब प्यार के माहौल में देशभक्तों को मतलब याद करेंगे। हाँ, देशभक्तों को थोड़ा बहुत याद करना चाहिए, इतिहास में उनके याद करना चाहिए, इतिहास के पन्नों में वो हमारे हैं। जो युवा आजकल अच्छा इतिहास के पन्नों में हो रहे, मैं इनको लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो जिस उम्र में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी पर चढ़ गए थे, उस उम्र में आज की युवा अपनी एनर्जी को ऐसे वेस्ट करते हुए, और वैलेंटाइन डे ऐसा नहीं है कि उनका वैलेंटाइन नहीं होना चाहिए, पर हमने इसको प्यार को शेयर करते इस उम्र में, उनके कोई देश के प्रति कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। देखिए आप भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे मतलब जिस उम्र में खेलने कूदने की उम्र में वो फांसी पर चढ़ के, कैसी उनके देश के प्रति प्रेम था, इसको कहते हैं प्यार। प्यार में उसको क्या गलत है क्या सही, उनको कुछ दिखा नहीं क्या गलत है, वो मतलब सही रास्ते पर गए, और आज के युवा अपने प्यार को मतलब गलत शौक में वेस्ट कर रहे हैं। तो सेव अपनी एनर्जी सेव करिए और ऐसी दिशा में जाइए, सीखिए अपने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से। तो दोस्त ये कहना चाहता हूँ कि मैं वैलेंटाइन डे मनाएंगे, अच्छी तरह मनाएंगे, पर कुछ एक शाम शहीदों के नाम भी कीजिए। सही, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही लोकेश मालव ने। तो दोस्तों इस बात को याद रखिए, वैलेंटाइन डे मनाइए, लेकिन शहीदों को भी याद कीजिए, क्योंकि उन्होंने अपने देश में अपनी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा अपना बलिदान दिया है, तो उनको भी याद कर लीजिए, उसके बाद वैलेंटाइन डे मना लीजिए। तो फ्रेंड्स, गुड डे फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को देखिए एंड तक, और उसको भी सब्सक्राइब कर लो, डिस्कवरी लॉन्च करने वाले हैं हमने अपना चैनल डिस्कवरी बॉय। कितनी तारीख को लॉन्च करेंगे फिर भी आप? करेंगे हम मतलब कर देंगे, मान लो 15 मार्च तक हम लॉन्च करने वाले हैं। 15 मार्च तक मतलब इसका चैनल आ जाएगा, मतलब हम करें इसके चैनल में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फिर हमारे चैनल, कैसे जानवर हम एनिमल्स के ऊपर डिस्कवरी करें, प्लांट्स के ऊपर डिस्कवरी करें, और धार्मिक स्थल कैसे कोटा में क्या किया उनके बारे में हम डिस्कवरी। वैसे कोटा में देखने के लिए तो बहुत सी जगह, लेकिन हम जो धार्मिक स्थल है उनके बारे में डिस्कवरी करेंगे, और प्लांट्स कौन कौन से प्लांट्स के लिए कोटा का वातावरण सूटेबल है, कौन कौन से प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, और प्लांट्स कौन से एनिमल्स कोटा में हैं, तरह तरह के एनिमल्स यहाँ पलायन करते हैं, पलायन करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर समशीतोष्ण वातावरण पाया जाता है, जो कि पक्षियों को और एलिमेंट्स के लिए सूटेबल है, तो उनके बारे में हम आपको बताएंगे। हम 15 मार्च से मतलब हमारा चैनल लॉन्च करने वाले हैं डिस्कवरी बॉय लोकेश मालव माय फ्रेंड्स सुमानंद के साथ। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्त, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और इस बंदे का भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसका चैनल 15 तारीख को लॉन्च होने वाला है। तो इसके चैनल पर आप देखेंगे बहुत सारी वीडियोस, देखेंगे पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे, बहुत सारे ऐसे स्थल, धार्मिक स्थल बताएंगे हम आपको अच्छे अच्छे। तो मजे लीजिए, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू माय फ्रेंड्स।